हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट अपन का होगा गणित, कार्यपत्रक नंबर 97 और ये कार्यपत्रक है 25 फरवरी 2022 के लिए। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग करने वाले हैं पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो हमारा चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी है ये एक, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न है ये, एक शंकु को ऊपर तक आइसक्रीम से भरने के लिए कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता होगी, ये पहला सवाल है। दूसरा है बलिना गैलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये दूसरा। तीसरा है एक गैलन वनीला आइसक्रीम से कितने शंकु भरे जा सकते हैं, ये तीसरा है। आगे है चौथा, यानी चार सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये पूरा जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, हमारा जो कार्यपत्रक है उसका, ठीक है, हर हफ्ते मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ही पूरा पूरा। तो चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारा जो सेकंड चैनल है हमने बनाया है जेनिक लर्न, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर 9th, 10th, 11th और 12th का मैथ जो है अच्छे से कराया जा रहा है। तो चलिए फिर इनको हम यहाँ पर आते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक ना। ये चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको समझते हैं, ये केस स्टडी पूरा समझते हैं और सॉल्व करते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर केस स्टडी का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सुधा आइसक्रीम का बाजार में प्रवेश एक गेम चेंजर था, ठीक है। सुधा का आइसक्रीम बाजार में प्रवेश करना एक गेम चेंजर था। सुधा की मूल्य रणनीति ने आइसक्रीम उद्योग को झकझोर दिया, ठीक है। जो उसने सुधा ने आइसक्रीम की मूल्य रखी थी, उसकी मूल्य रणनीति जो थी वो आइसक्रीम उद्योगों को झकझोर के रख दिया, ठीक ना। सुधा के प्रतियोगियों को सुधा से मेल खाने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। जो उसके प्रतियोगी थे सुधा के, आइसक्रीम वाले जो और बेचने वाले थे, उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो थी उनकी, उनको उस पर पुनर्विचार करना पड़ा। वे कौन में आइसक्रीम बेचते थे, है ना, किस में आइसक्रीम बेचते थे, कौन में आइसक्रीम बेचते थे, तथा 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आयामों वाले वनीला आइसक्रीम के गैलन का उपयोग 7 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई कोन यानी शंकु भरने के लिए किया जाता है। देखिए गैलन कैसा है, एक घनाभाकार गैलन है। उस गैलन के विमाएं जो दी गई हैं वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई, यानी ये दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग कि एक वनीला आइसक्रीम का गैलन है, इस गैलन में आइसक्रीम भरा जाता है, इसी गैलन से निकाल के इस शंकुओं में भरा जाता है यानी कोन में भरा जाता है, ठीक है। अब इस कोन का क्या सिस्टम है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई, और ब्यास कितना दिया गया है, ब्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 7/2, ठीक ना, और ऊंचाई जो एच है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि ब्यास 7 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई कितनी है, L बराबर, देखिए गैलन की विमाएँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गैलन, है ना। गैलन के लिए लंबाई जो L है वो 30 है, चौड़ाई यानी B कितना है, 12 है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ऊंचाई H कितना है, अच्छा इसको हम लोग H1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको H1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर H हमने मान लिया है इसकी ऊंचाई को, तो H1 जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब आगे चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, एक शंकु को ऊपर तक आइसक्रीम से भरने के लिए कितनी आइसक्रीम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मतलब इस शंकु को यहाँ फुल भरना है
तो कितनी आइसक्रीम लगेगी? उतनी ही आइसक्रीम लगेगी जितना इस शंकु का आयतन होगा, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा, ठीक ना। तो पहले प्रश्न में अगर देखें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शंकु को भरने के लिए, शंकु को भरने के लिए आइसक्रीम की, भरने के लिए लगने वाला आइसक्रीम, ठीक है, कितना होगा? जितना इसका आयतन होगा, यानी बराबर हो जाएगा कोन यानी शंकु का आयतन, ठीक है। इतना समझ गए, शंकु का आयतन हो गया। अब कोन का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं, 1/3 πr² × h, ये होता है कोन का सूत्र, ठीक है, यानी शंकु का आयतन का सूत्र हो जाता है। मान रख दीजिए 1/3 × 22/7, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है? देखिए आर यहाँ पर है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच, एच का मान है 4, ठीक है। हल करिए इसको, 1/3 × 22/7 गुड़े, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 × 7/2 और गुड़े 4, 1 7 से 1 7 कट गया, और 2 2 4, तो यहाँ से ये 4 भी कैंसिल हो गया, ठीक ना। 22 7 इसको गुणा कर दीजिए, तो 7 2 14 के 4 हासिल 1, 7 2 14 1 15 और 3 ये हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा हुआ है। किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। भाग दे दीजिए, 3 5 15, 3 1 3 0.33, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो कितना आइसक्रीम लगेगा हमको एक शंकु को भरने के लिए, एक कोन को भरने के लिए? 51.33 सेंटीमीटर क्यूब हमको आइसक्रीम लगेगा, इतना आयतन का, ठीक ना। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा सवाल है यहाँ पर, देखिए दूसरा सवाल, तो दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में ये बोला है कि जो ये वनीला गैलन है उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वनीला गैलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये कैसा है? घनाभाकार है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 2 × L × b, यानी लंबाई गुड़े चौड़ाई, धन चौड़ाई गुड़े ऊंचाई यानी bh, और धन h × l यानी ऊंचाई गुड़े लंबाई। सभी का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो सभी का मान रख दीजिए यहाँ पर 2, l का मान है 30 × 12, है ना, 30 × 12 प्लस 12 × 14 और धन 14 × 30, इतना हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, 2 × 12 = 36 यानी 360 प्लस 12 × 14 से करिए तो 14 × 2 = 28 और 2 × 14 = 16 प्लस यहाँ पे 14 × 3 = 42 यानी 420 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए तो 2 × ये हो जाएगा कितना, 8, ठीक है, 6 6 12 2 14 हासिल 1 4 1 5 4 9, ठीक ना, कितना आ गया, 948 आ गया। तो 9 × 2 = 18 यानी 1896 आ जाएगा, ये 1896 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी हम लोग अच्छे से कर लिए, ठीक है, सेकंड नंबर भी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक गैलन वनीला आइसक्रीम से कुल कितने शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गैलन आइसक्रीम दिया है, इस आइसक्रीम से, इस गैलन के आइसक्रीम से कितने ऐसे छोटे छोटे कोन भरे जा सकते हैं, कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जितना इसमें आयतन होगा आइसक्रीम का, वही आयतन जाएगा इन सभी शंकुओं में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एन कोन भरे जा सकते हैं, ठीक है, माना एन कोन भरे जा सकते हैं। तो एन कोन भरे जा सकते हैं, इसका मतलब इसमें जो आइसक्रीम होगा उसका आयतन बराबर, इसमें जो उसका आइसक्रीम होगा उसका आयतन गुणे एन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए इसका आयतन
घनाभ का आयतन, ठीक है, लिखेंगे हम लोग गैलन का आयतन बराबर n इंटू इसका एक का आयतन, है ना, एक शंकु का आयतन, तो यहाँ पे कोण का आयतन, ठीक है, इतना समझ गए। तो गैलन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई l इन एल बी एच, है ना, तो हो जाएगा 30 गुड़े 12 गुड़े 14 बराबर n इंटू कोण का आयतन। यहाँ पर कोण का आयतन क्या होगा, कोण का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं, तो कोण का आयतन पहले प्रश्न में, पहले प्रश्न में जो इसका एक आइसक्रीम का आयतन कितना आया था, देखिए ये आया था 154/3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 154/3 आया था, पहले वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप लोग पहला प्रश्न में, ठीक ना, तो एक कोण का आयतन इतना आ गया था। अब यहाँ से n का मान कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले आइए, 154 को इधर ले आ सकते हैं आप लोग, ठीक ना, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, n का मान 30 गुड़े 12 गुड़े 14 बटे, अच्छा ये 3 इधर गुड़ा में जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इधर आएगा ये 154 तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब क्या करते हैं हम लोग, सबको काट पीट देते हैं ना, तो काटिए यहाँ पर, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर इसको काटते हैं 2 से, तो ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 15, ठीक है, इसको भी 2 से काट देंगे तो 2 × 7 = 14, एक बचा फिर 2 × 7 = 14, यानी 77 से कट गया। फिर इसके बाद इसको 7 से काटिए, तो 7 से काटेंगे तो 11 बचेगा, इसको 7 से काट दीजिए तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है, ऊपर वालों को गुणा कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा ये कितना, 15 × 12 और 3 × 2, ठीक ना, तो 15 × 2 = 30, 3 × 15 = 18 और गुड़े ये हो जाएगा 6 और बटे यहाँ पर ये होगा 11, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों गुणा करके 11 से भाग दे दीजिए, तो गुणा कर दीजिए 0 × 6 = 48 यानी 8, फिर हासिल 4 × 6 = 10 बटे 11, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो भाग करने पर ये हमारा आ जाता है 98.18, यानी n का मान कितना है 98.18, मतलब इतने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं तो पूरा 98 आइसक्रीम भर सकते हैं, 98 कोन और एक में कुछ, है ना, इतना पार्ट हम लोग भर सकते हैं, तो n का मान कितना आया, ये आ गया 98.18 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी हो गया हमारा, अब आगे चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथे प्रश्न में ये बोल रहा है, दिए गए वनीला गैलन से पिछले शंकु की दुगनी त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले कितने शंकु भरे जा सकते हैं। अब की बार क्या किया है कि त्रिज्या दुगनी कर दिया है, इस शंकु का जो त्रिज्या है वो दुगनी कर दिया है, यानी अब की बार आर क्या होगा, पहले आर कितना था 7/2, तो अब की बार आर कितना कर दिया है 7/2, इसका दुगना कर दिया है यानी गुणा 2, तो 2 से 2 अगर काट दें तो हम 7 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है, तो अब की बार जो शंकु होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, 7/2 नहीं होगा, ठीक ना, और ऊंचाई समान है, उतना ही है। अब पूछ रहा है कि अब कितने गैलन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि माना n गैलन भरे जा सकते हैं, तो n बराबर n शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकुओं की संख्या जो होगी n बराबर इस गैलन का आयतन, है ना, गैलन का आयतन और बटे हो जाएगा एक कोण का आयतन, ठीक है, तो यहाँ पर कोण का आयतन, बस काम बन गया हमारा। गैलन का आयतन क्या हो जाएगा, 30 × 12 × 14 और बटे यहाँ पर इस कोण का आयतन हम लोग लिखते हैं, तो कोण का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/3 πr² × h। अब की बार r क्या है, 7 है, ठीक है, तो 1/3 पाई का भी मान रख दीजिए यहाँ पर। देखिए जो शंकु का आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 πr² × h होता है, ये ध्यान में रखिएगा इसको, पाई का मान 22/7 × r² यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 हो जाएगा इंटू h, h का वैल्यू है 4, ठीक है, तो यहाँ से ये 7 एक कट गया,
इस 3 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया 30 × 12 × 14, और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और बटे यहाँ पर हो गया 22 × 7 × 4, ठीक है, 22 × 7 × 4, तो 7 से इसको काटिए 14 को, 2 बार में ये कट गया, ठीक है, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 से इसको काटिए 2 × 6 = 12, इसके बाद इसको हम लोग 11 से काट देते हैं, तो 11 × 2 = 22, ठीक है ना, 2 × 11 = 22, और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, बचा क्या क्या, 30, 3 और 3, ठीक है, तो 30 × 3 × 3 ये 9 भी लिख सकते हैं इसको, बटे में 11 बचा, गुणा कर दीजिए 3 × 9 = 27, यानी 270/11, इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 11 × 2 = 22, फिर बचा यहाँ पर 5, तो 50 हो गया, फिर 11 × 4 = 44, 6 बचा, दशमलव लगा दीजिए 60 हो गया, 11 × 5 = 55, फिर 5 बचा, फिर 11 × 4 = 44, ये इतना हो जाएगा 24.54 हो जाएगा, ठीक है। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ गई, यानी आइसक्रीम जो हमारे भरे जाने हैं अगर हम लोग उसका त्रिज्या दुगुना कर देते हैं तब, ठीक ना, तो ये यहाँ पर आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि चारों प्रश्न कितने ही आसान थे, ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसका, और केस स्टडी का ये क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हुआ, और कार्यपत्रक 97 भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर अगला वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।